हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्टिफैक्ट्स बाय गोपीशा। तो ये जो ग्लास बॉटल आप देख रहे हैं उसे मैं एक ब्यूटीफुल वाज में कन्वर्ट करूँगी। और ये बेसिकली रोड साइड से मैंने बाय किया है, तो आप देखेंगे कि किस तरह से इस पॉट को हम ऐसा इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए एक्रेलिक वॉल पुट्टी और रिवर सैंड। तो वास को पहले पूरी तरह से टेक्सचर से मैं कवर कर लूँगी और बाद में सेम टेक्सचर का यूज़ करके उसके जो अपर पोर्शन है वास का, वहाँ पे मैं इस स्टेंसिल से उसकी इम्प्रेशन लूँगी। तो मेरे ये वीडियो का मेन इंटेंशन यही है कि स्टेंसिल का यूज़ करके किस तरह से आप कोई डेकोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्रेलिक वॉल पुट्टी ली है काफ़ी सारी क्वांटिटी में और उसमें थोड़ा सा रिवर सैंड मिलाया है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है क्योंकि थोड़ा ही एक रफ टेक्सचर हमें चाहिए। तो ये लेके मैंने पूरे वास को पहले तो कवर कर दिया है। अपर पोर्शन को थोड़ा स्पैचुला से मैंने फ्लैट उसके कवर किया है और नीचे का जो पोर्शन है उस पर मैंने थोड़ा फिंगर इम्प्रेशन डाला है क्योंकि ऊपर के पोर्शन को स्टेंसिल से फिर मुझे पैटर्न देना है और नीचे के पोर्शन को ऐसे ही छोड़ दूंगी मैं। आप चाहे तो कवर कर सकते हो पूरा वाज इस तरह स्टेंसिल्स की पैटर्न से, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ अपर पोर्शन को ही इसे कवर किया है। तो पहले तो पूरे वाज को मैंने टेक्सचर लगा लूँगी और बाद में जो ऊपर का पोर्शन है उसे मैं हाथ गीला करके थोड़ा एकदम स्मूथ कर दूँगी। नीचे फिंगर्स की इम्प्रेशन आएगी और ऊपर एकदम फ्लैट होगा। टेक्सचर को कंप्लीट ड्राई करने के लिए आप 3 से 4 घंटे तक छोड़ दीजिए। तब स्टेंसिल को इस तरह से आप रखिए और अपनी दो फिंगर से उसे बराबर एक ही जगह पे बनाए रखें और स्पैचुला एक छोटा सा जो वॉल पुट्टी को स्प्रेड करने के लिए मिलता है, तो आपके पास अगर वो नहीं है तो ऐसा कोई भी फ्लैट कोई प्लास्टिक का टूल भी अगर है तो इससे भी आप रख सकते हो। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा टेक्सचर पेस्ट वहाँ पे रख के आप इसे धीरे से उठा लीजिए तो उसकी जो बीच की स्टेंसिल की जगह है वहाँ पे सिर्फ वहीं पे पूरा पैटर्न आएगा टेक्सचर का और बाकी की जगह पर नहीं, तो बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर इम्प्रेशन क्रिएट होगा। तो वास की पूरे अपर पोर्शन को मैंने स्टेंसिल की पैटर्न से कवर कर लिया है। इसे 2 घंटे तक कम्प्लीटली ड्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट कोट किया है स्ट्रक्चर वाइट का। ये करना बहुत ज़रूरी है और मैं मेरे हर एक क्राफ्ट में इसका यूज़ करती हूँ स्ट्रक्चर वाइट। ये काफ़ी बाइंडिंग का काम करता है और जो हमारा टेक्सचर है उसे प्रोटेक्ट करता है अच्छी तरह से। स्ट्रक्चर वाइट को कम्प्लीटली ड्राई होने में 1.5 से 1 घंटा लग सकता है। अब मैं कलर शुरू करूँगी। तो मैंने यहाँ पे वेंडिंग ब्राउन, बंस आयना, येलो ऑकर और सी ग्रीन, ये एक्वा ग्रीन, ये 4 कलर लिए हैं और यहाँ मैंने स्पंज की मदद से मैंने इसे लगाना शुरू किया है। 4 कोट लगेंगे यहाँ पे और हर एक में चारों कलर का यूज़ करना है, लेकिन एक के बाद एक करना है। सबसे फर्स्ट कोट जो है उसमें 4 कलर का यूज़ किया है मैंने। सेकेंड कोट जो आएगा तो उसमें सिर्फ सी ग्रीन का यूज़ किया है। थर्ड कोट में वापस मैंने दोनों ब्राउन के शेड्स लिए हैं और फोर्थ कोट मैंने येलो ऑकर का किया है। आप देखेंगे कि किस तरह से जो हमने टेक्सचर रखा है उसकी डेप्थ को किस तरह से हम बाहर ला सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़रूरी है कि हम काफ़ी लेयर्स करें कलर्स के, तो
तो ये मुमकिन होता है कि अच्छी तरह से एक वो टेक्सचर का इफ़ेक्ट हमें दिखे। तो यहाँ पे स्पंज की मदद से हमें चारों कलर को ब्लेंड करते जाना है, और जो अपर पोर्शन है उसमें खास ध्यान रखना है कि वो डार्क होना चाहिए। तो मैंने ब्राउन के दो शेड्स वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किए हैं और बहुत कम येलो ऑकर और सी ग्रीन वहाँ पे डाला है, क्योंकि वहाँ पे हमें टेक्सचर का जो इफ़ेक्ट है वो स्टेंसिल का, उसे उसकी डेप्थ को अच्छी तरह से बाहर लाना है। तो यहाँ पे अगर लाइट कलर करेंगे तो इतना अच्छा बाहर नहीं आएगा जितना डार्क कलर करने से आता है। तो मेनली हमें डार्क कलर अपर पोर्शन में ज़्यादा रखना है और नीचे के पोर्शन में चारों कलर करते जाना है। सेकेंड लेयर मैंने सी ग्रीन का किया है, तो नीचे का लेयर भी दिखे इस तरह से। मैंने स्पंज से सी ग्रीन को भी फर्स्ट लेयर के साथ ही ब्लेंड करके रखना शुरू किया है, और पूरे पोर्शन में, नीचे के पोर्शन में मैंने सी ग्रीन कलर रख दिया है। यहाँ पे थर्ड लेयर मैं कर रही हूँ, और वो दो ब्राउन के दोनों शेड्स मैंने लिए हैं। तो सी ग्रीन को थोड़ा दिखाते हुए धीरे धीरे स्पंज से ही उसे रखना है और ब्लेंड करते जाना है। सी ग्रीन काफ़ी कवर हो गया है, तो थोड़ा अलग से मैंने ऊपर से रखना शुरू किया है, और राउंड के शेड के बाद मैंने एक हल्का सा कोट सी ग्रीन का फिर से किया है। Thank you.
और अब कलर का लास्ट लेयर मैंने लगाया है येलो ऑकर का, तो वो आप फाइनली जो भी उसका टेक्सचर का जो अपर पोर्शन है, उसकी जो सरफेस है, उस पर आपको करना है। तो इस तरह से स्पंज से मैंने धीरे धीरे वॉश, जैसे आप वॉश करते हैं सरफेस को, इस तरह से मैंने करना शुरू किया है। और वास के लोअर पोर्शन को इस तरह से पूरा कवर करना है येलो ऑकर से। अपर पोर्शन को अभी मैंने टच नहीं किया है, नेक पे आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ लोअर पोर्शन और नेक वहीं पे लगेगा ये कलर। अब लास्ट जो है वो टचअप है मेटलिक गोल्ड कलर का, और ये सिर्फ अपर पोर्शन में अभी पहने लगा है, बाद में पूरे पॉट वाज को मैं कवर करूँगी। लेकिन एकदम हल्के हाथ से जो हमने स्टेंसिल की डिज़ाइन वहाँ पे वॉल पुट्टी से क्रिएट की है, सिर्फ उससे ही टच होना चाहिए। इस तरह से एकदम हल्के हाथ से आप रखना शुरू कीजिए, और इस तरह से आप 2-3 बार करेंगे तो वो पूरी डिज़ाइन एकदम अच्छे से बाहर आ जाएगी। और जो नीचे का उसका जो सरफेस का एरिया है वहाँ पे डार्क ब्राउन किया है, तो उससे उसकी वजह से पूरे डिज़ाइन को, पैटर्न को एकदम डेप्थ मिलेगी। अपर पोर्शन कंप्लीट होने के बाद नीचे जो बॉटम का पोर्शन है वहाँ पे भी हमें गोल्डन कलर का टचअप चाहिए। तो इस तरह से सिर्फ जो टेक्सचर की जो सरफेस है, जो उसका जो पीक है, वहीं पे आप कलर कर रहे हैं, और बाकी का पोर्शन ऐसे ही छोड़ दे जहाँ पे चारों कलर के शेड अच्छे से दिखे हमें। तो हमारा कलर कंप्लीट है और हमें इसे अभी वार्निश करके सील करना है। वार्निश के 2 या 3 कोट जरूर लगाएं, इससे अच्छे से कलर को शाइन मिलती है और कलर भी अच्छे से प्रोटेक्ट होते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।